पशुआ जिगर पशुएं फिकर पशुपालन विकास मंच चैनल पर मैं आपका भाई होस्ट एंड दोस्त वजीर सिंह काली रमन भाई। सबसे पहले पशुपालन विकास मंच चैनल देखने वाले सारे भाई राम राम भाई। तो आज पहुंचे हैं प्रॉपर सोनीपत के अंदर ककरोई रोड पर दैया कॉलोनी, दैया कॉलोनी में गली नंबर 5 शिव मॉडर्न स्कूल के पास। तो एक बार अपना एड्रेस बता दो, नाम एड्रेस और मोबाइल नंबर जरूर बताना। रमेश पंडित जी, मोबाइल नंबर 8930-4078। तो ये पंडित जी का नंबर है भाई। पंडित जी की डेयरी है, 10-12 भैंस हैं। तो उनमें से सेल के लिए कितनी अवेलेबल हैं फिलहाल? चार जोटी है। चार जोटी दिखाओगे भाई? सिर्फ वो जोटी दिखाओगे जो सेल के लिए अवेलेबल है, बारीकी से जानकारी लेंगे और अच्छी अच्छी जोटी देखने को मिलेंगी भाई आपने। तो पंडित जी बात करते हैं पहले नंबर की जोटी, जो अपनी यह जोटी है घर पाल रखी है, खरीद के लेकर खरीद को लेकर। तो पहले तो ये जानकारी दो, जो अपना काम है वो दूध सेल परचेज का है या पशुआन सेल परचेज करने का? पशुआ का सेल परचेज का भी, दूध का भी, दोनों तरह का काम है। पशु आते जाते रहे हैं और भाई दूध भी बेचते रहो। तो जो पहले नंबर की जोटी है, एक क्वार की जोटी है जी, पहला लैक्टेशन है, कितने दिन की ब्याई होगी? ये आज 12 दिन की ब्याई है, 15 किलो दूध तैयार है, प्योर मुर्रा है। प्योर मुर्रा भाई, बढ़िया सेहत जोटी है और तैयार है, चार दांत है, प्योर मुर्रा कटिया है, नीचे फीमेल काफ है भाई। और अरे रमेश, के बात होगी, नो क्यों लटका रहा है? के बताऊं तो मैं ब्याई है, जेर को नहीं कहती, डॉक्टर ने देखने जाना लग रहा हूँ। अरे रमेश, क्यों डॉक्टर है चक्रम पड़ रहा है? यूट्रामैक्स लिया या कौन सी दवाई है तब? भाई रमेश, या दवाई तेरी मैस की टर्म पर जेर करवा देगी, तेरी मैस दूध तो चाल पड़ेगी और बच्चे दाने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो या पाओगे कि फिर? भाई या तो ना सारे मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, और जो नहीं पावे तो ऑनलाइन मंगा सकते फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। जब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत पा जाते ना तो इस नंबर पे कॉल कर लिए, 8595-37000। 15 दिन की ब्याई होली, हाँ जी 15 दिन की ब्याई होली, फर्स्ट लैक्टेशन, नीचे फीमेल काफ है, बढ़िया ऑर्डर भाई। और एक भाई जानकारी के लिए स्पेशल बता दूं कि भाई सारे पशुओं का दूध निकल चुका है जी। भाई कोई जिस भाई ने खरीदनी है, एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम दूध देख के, दोनों टाइम पशु ने देख के तब खरीद के ले जावे। तो फिलहाल जो अपनी पहले नंबर की जोटी है, खार की जोटी, इसके नीचे 15 दिन में दूध कितना तैयार है? 15 दिन में इसके तरह दूध है, 15-16 किलो। तो 15 किलो दूध तैयार है, खार की जोटी, नीचे फीमेल काफ है। तो कीमत बताओ जी, एक जो जायज कीमत बिल्कुल इसकी 1,40,000 रुपये। 1,40,000 रुपये कीमत है जो पहले नंबर की जोटी है, नीचे फीमेल काफ, और फिलहाल 14-15 किलो दूध तैयार है मौके पर। बिल्कुल 15 किलो दूध तैयार है। जो 1,40 कीमत बताई है आपने, वो बिल्कुल फिक्स रेट है या थोड़ा बहुत मान कर ले उसका जैसा होगा भाई? जो भाई आओगा देख कर परख कर, जहाँ तक बात बनेगी बना देंगे, बात बना देंगे, आदर मान मान सम्मान जो हो वो जरूर करेंगे। तो भाई ये डिटेल थी पहले नंबर की जोटी की। अब बातें हैं दूसरे नंबर की, जो जोटी है पंडित जी के पास। तो फिलहाल भाई एक बार फिर मैं बता दूं, टाइम हो गया है 6:20 और सभी पशुओं की दार निकल चुकी है, दूध निकल चुका है। तो भाई साथ में जो लगती डेयरी है अनिल भाई फौजी है, उसकी वीडियो बनाना आए थे भाई। तो पंडित जी बोले भले मन ने वीडियो बनानी है, इसलिए पता नहीं था ना, पहले बना देते वीडियो, टाइम पर आ गए दूध निकालने से पहले। तो जो भाई खरीदना चाहो है अपने, दोनों टाइम का दूध देखकर, पशु देखकर तब खरीद के लेगा। तो भाई दूसरे नंबर की जो जोटी है उसके बारे में डिटेल जानेंगे, कौन सा ब्यात है दूसरे नंबर की जोटी का? ये दूसरे ब्यात की सेकंड लैक्टेशन है, नीचे काफ के है, काटड़ा मेल काफ है भाई, सेकंड लैक्टेशन। और कितने दिन की ब्याई होगी? आज 12 दिन की ब्याई है, 15-16 किलो दूध तैयार है। 12 दिन की ब्याई, नीचे मेल काफ है और सेकंड लैक्टेशन है, 16 किलो दूध तैयार है, कट के तोल का। हाँ तो भाई
पंडित जी ने बताया है कि 16 किलो दूध बिल्कुल मौके पर तैयार है आज। हाँ तैयार। कै दिन की ब्याई होगी? 12 दिन। 12 दिन की ब्याई है। तो जो दूसरे नंबर की जोटी है इसकी कीमत बताओ। इसकी 1,32,000 रुपये। 1,32,000 रुपये भाई। सेकंड नंबर की जो जोटी दिखा रहे हैं हम वीडियो में, इसमें भी मान सम्मान की गुंजाइश है कर देंगे भाई। मान सम्मान हर पशु पर कर देंगे भाई। जो बढ़िया खरीदार होगा, बढ़िया बायर होगा, उसने जोटी दे के भेजेंगे, दे के भेजेंगे। तो पंडित जी एक बात बताओ, कितने साल हो गया अपने पशुपालन में काम करते? 24-25 साल। 24-25 साल सोनीपत शहर में काम करते हो? गांव कौन सा अपना? गांव नकलोई। नकलोई गांव से हैं जी। तो अब बात करते हैं तीसरे नंबर की जो जोटी है पंडित जी के पास, तो इसके बारे में डिटेल बताओ कौन सा ब्यांत है। तो बात करते हैं जी, अब जो वीडियो में तीसरे नंबर की जोटी है, कौन सा ब्यांत से जोटी का? दूसरी बार। यह अभी सेकंड लैक्टेशन है, कहाँ से खरीद के लेकर रहे हो? ये बगड़ साइड की। बगड़ साइड की जोटी है भाई। और फिलहाल कै दिन की ब्याई होगी? ब्याई होगी 20 दिन की। 20 दिन की ब्याई होगी। नीचे तड़ा कटड़ा, नीचे मेल काफ है इसके भी, सेकंड लैक्टेशन, 20 दिन की ब्याई होगी। 18 किलो। 18 किलो दूध। हाँ बिल्कुल सच्चाई है यार। सच्चाई। और 20 दिन की ब्याई है? 20 दिन की ब्याई भाई। 20 दिन की ब्याई है, 18 किलो दूध तैयार है मौके पर, और सेकंड लैक्टेशन है। तो कीमत? कीमत है जी इसकी 1,35,000। 1,35,000 रुपये कीमत है जो तीसरे नंबर की जोटी है और बागड़ साइड की जोटी है, नीचे मेल काप है। तो ये थी तीसरे नंबर की जोटी की डिटेल। तो अब बात करेंगे जो वीडियो में चौथे नंबर की जोटी है, ये भी सेकंड लैक्टेशन है। कितने दिन की ब्याई होगी? ब्याई है 15 दिन की। 15 दिन की ब्याई है, नीचे काप के है, तड़ा कटड़ा, इसके भी मेल काप है नीचे, और 14 किलो दूध तैयार है फिलहाल। तो 14 किलो दूध तैयार है। और जो बात कर रहे हैं जो जोटी है इसकी धार किसी? बढ़िया बढ़िया धार है जी। चारों जोटी आएगी? चारों। चौवाई बढ़िया है? बढ़िया चौवाई साफ बिल्कुल भाई। आप जो भी आओ धार देख कर खुद निकाल के दो टाइम और जब पशु लेकर जाओ। तो नीचे मेल काप बताया, कितने दिन की ब्याई है? ब्याई है यार 15-16 दिन। 15-16 दिन की ब्याई होगी, सेकंड लैक्टेशन में है अभी। तो ये कहाँ से खरीद के लेकर रहे? बागड़ में गए। तकरीबन उसी साइड लेगा वो, बागड़ साइड है, महेंद्रगढ़ नारनौल। तो जो चौथे नंबर की जोटी है इसकी कीमत बताओ जी। इसकी कीमत है 95,000 रुपये। 95,000 रुपये कीमत मांगी है जी। और दूध बताया आपने तैयार है 14 किलो। 14 किलो दूध है चौथे नंबर की जो जोटी है। तो ये डिटेल थी भाई सभी जोटियाँ की। 4 जोटी थी पंडित जी के पास बिकाऊ सेल के लिए, उनकी बारीकी से जानकारी ली है। तो जिस भी भाई ने खरीदनी है, 2 बार मोबाइल नंबर पूछ लिया है, तो एक बार फिर मोबाइल नंबर बता दो। 89-30-46-74-58। एक बार फिर मोबाइल नंबर बता दिया। तो जिस भी भाई के पास अच्छा पशुधन है, पशुओं की वीडियो बनवाने के लिए संपर्क करें पशुपालन विकास मंच चैनल पर। जय हरियाणा, जय पशुपालन।